हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिंपल डिजिटल स्कूल पे अबाउट ऑन पेज एसईओ ऑफ अ हिंदी ब्लॉग ऑफ अ वर्डप्रेस साइट। इफ वी हैव अ वेबसाइट विच इज़ डेवलप्ड इन वर्डप्रेस, देन हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ ऑफ अ हिंदी आर्टिकल, दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड आई विल शो यू द डेमो थ्रू माय वेबसाइट इटसेल्फ। सो आई एम सिंपल बत्रा हियर, योर फ्रेंड टुडे। देखिए, ये एक वेबसाइट है हमारी ऑफ www.jtelectronicsdelhi.com। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हमने वर्डप्रेस में डेवलप किया है एंड इसमें हमने ब्लॉगिंग भी की हुई है कुछ, करेक्ट? सो आई शो यू वन ऑफ द ब्लॉग ऑफ द साइट एंड इट्स ऑन पेज एसईओ हियर, कि कैसे एक ऑन पेज एसईओ किया जाता है हिंदी ब्लॉग का, या फिर आप इसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली हिंदी ब्लॉग्स, राइट? लेट्स सी। देखिए, दिस इज अ ब्लॉग, जेटी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉग। आई एम क्लिकिंग ओवर हियर। नाउ यू कैन सी द ब्लॉग इज ओपन्ड है और ये हमारा ब्लॉग का पेज है जिस पर हमने मल्टीपल ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, राइट? यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एक हिंदी के दो ब्लॉग्स हैं, भक्त कबीर के शब्द गुरु महिमा। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ओपन कर रही हूँ और इसी ब्लॉग का एसईओ हमने जो किया है उसका पेज भी ओपन कर रही हूँ। यू कैन सी दिस इज द ब्लॉग विच इज रिटन इन हिंदी एंड द सेम ब्लॉग, इसका हमने जब एसईओ किया था तो वो हमने उसके लिए योस्ट का प्लगइन यूज किया था वर्डप्रेस का, राइट? Very soon, I'll be coming up with the clear demos of how to create the website and how to do the actual designing in it and how to place the various plugins and much more, right? This is another tab जिसमें मैंने open किया है अपना WordPress का admin में जाकर इस particular page का SEO. Now see how it is done. देखिए, सबसे पहले भक्त कबीर के शब्द गुरु महिमा। देखिए यहाँ पर, इफ यू कैन सी, मैंने टाइटल जो दिया हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली रिटन इन अ बोल्ड एंड H1 हेडिंग। H1 हेडिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है सर्च इंजन, इसीलिए हम टाइटल को हमेशा H1 हेडिंग में रखते हैं। नाउ दिस यू कैन सी दिस इज अ सब हेडिंग दैट इज हाइलाइटेड इन H2, भक्त कबीर के शब्द अनमोल। देखिए यहाँ पर भक्त कबीर के शब्द, ये मेरा कीवर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर फोकस किया है, राइट? नाउ हियर आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने दो बार कीवर्ड को रिपीट किया है, करेक्ट? अब जो पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल है वो हमने लिखा है, राइट? अब इसके बाद आर्टिकल जहाँ फिनिश हो रहा है, इस पूरे आर्टिकल में हमने कहाँ पर कीवर्ड्स को यूज़ किया और कितनी बार रिपीट किया, दिस ऑल आई विल टेल यू, डोंट वरी। नाउ देखिए, दिस इज़ योस्ट एसईओ ऑफ अ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में एक योस्ट प्लगइन होता है जो हम एसईओ करने के लिए यूज़ करते हैं वाइल क्रिएटिंग द वेबसाइट्स इन वर्डप्रेस। नाउ लेट्स सी हियर, फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज मेरा वो कीवर्ड है जिसे मैं टारगेट कर रही हूँ अपने ब्लॉग में, करेक्ट? जो भी कीवर्ड हमने चूज किया है, जिसे हम रैंक कराना चाहते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपने पेज को रैंक कराना चाहते हैं, दैट इज टू बी पुट हियर। अगर हिंदी का ब्लॉग है तो देखिए हिंदी का कीवर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे, भक्त कबीर के शब्द। Now the next one is SEO title, भक्त कबीर के शब्द, भक्त कबीर का प्रेम / JT Electronics। देखिए हमने ये जो इसमें सेपरेटर बार को यूज किया है, दिस इज कि हम मैक्सिमम टाइम्स वेरिएटेड मैनर में अलग अलग तरह से अपने कीवर्ड को यूज कर सके टाइटल में। Now the next one, सेपरेटर बार लगाकर
JT Electronics. Why JT Electronics I have given? Because this is the brand name. So brand name को हम हर article में separator देकर दे सकते हैं as a title. Correct? Now next is slug. This is important to understand here कि जब हम SEO करते हैं, on page SEO करते हैं किसी भी हिंदी आर्टिकल की, in that case हम slug को हिंदी में नहीं दे सकते हैं, right? Otherwise it would give it in some big symbols. It would represent big symbols in the slug or URL. Slug यहाँ पर represent करता है हमारा URL. URL is Uniform Resource Locator, address of your web page or address of this particular blog which you are writing. So इसको हम यहाँ पर हिंदी में नहीं देंगे, अगर हमारा आर्टिकल हिंदी का है तो भी. इसीलिए देखिए मैंने हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा हुआ है, दैट इज हिंग्लिश में यू कैन कॉल, दैट इज भक्त कबीर वर्ड्स. नाउ मेटा डिस्क्रिप्शन. मेटा डिस्क्रिप्शन अगेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. मेटा डिस्क्रिप्शन वो पोर्शन होता है कि जब भी आपकी साइट सर्च में आती है तो जो एक दो लाइन्स लिखी हुई आती हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स. भक्त कबीर के शब्द जिनको बार बार पढ़कर प्रेम और भक्ति की महिमा समझ सके, भक्त कबीर के जीवन का अनमोल समर्पण, अनन्य भक्ति एवं सरलता भाव विभोर करने वाला है. देखिए मैंने स्टार्ट किया कीवर्ड से, सो मेटा डिस्क्रिप्शन मस्ट बी स्टार्टेड विद द कीवर्ड. चाहे आप हिंदी का ब्लॉग लिखें, चाहे आप इंग्लिश का ब्लॉग लिखें, बट मेटा डिस्क्रिप्शन आप हमेशा किस में लिखेंगे? कीवर्ड से स्टार्ट करके, राइट? एंड दिस इज हाउ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर ऑन पेज एसईओ इज टू बी डन. इसके अलावा अगर हम आर्टिकल पर देखते हैं तो हम आर्टिकल में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं 3 से 4 बार. 300 वर्ड्स के आर्टिकल में हम रिपीट कर सकते हैं अपने कीवर्ड को, दैट इज कीवर्ड स्टफिंग 2-3% ऑफ द एंटायर आर्टिकल, राइट? इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा दूसरा पोर्शन है, देखिए यहाँ पर हम इमेज को ज़रूर लगाते हैं, फीचर्ड इमेज को. और ये जो इमेज है इसको हमने डिज़ाइन किया है कैनवा में. कैनवा का ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, राइट? और ये फीचर्ड इमेज से आपकी जो रैंकिंग है वो ऊपर उठ जाएगी. और इस इमेज का नाम आप वही देंगे जो आपका कीवर्ड है. सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इमेजेस को खुद से डिज़ाइन करें और उन इमेजेस को रीनेम करें अपने कीवर्ड के नाम से बिफोर अपलोडिंग योर पर्टिकुलर इमेज. नाउ व्हाट इज द स्निपेट प्रीव्यू? स्निपेट प्रीव्यू शोज कि आपका ब्लॉग अगर गूगल पर कहीं पर रैंक होता है तो कैसे एक व्यूअर को शो होगा या दिखेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल बी सून बैक विद मच मोर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय.